वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट मिनट तैयारी। माय नेम इज़ नीतू शर्मा और इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं 11th और 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी से रिलेटेड सभी वीडियोस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12th एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर विच इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो होगी रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में, डिफरेंट काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके बारे में उसके एग्जाम्पल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। राइट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस इन विच अ इंडिविजुअल गिव राइज टू अ यंग वन ऑफस्प्रिंग विच इज सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी कि टू प्रोड्यूस ओन काइंड, अपने जैसे प्रोड्यूस करना, इट इज रिप्रोडक्शन। इट इज अ स्पेशल फीचर, मीन्स इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्टिन्यूएशन एंड सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि किसी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए, उसके कॉन्टिन्यूएशन के लिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया वी डिवाइड द रिप्रोडक्शन इंटू टू टाइप्स, वन इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। आइए इनके बीच के डिफरेंसेस को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल मीन्स ओनली अ सिंगल पेरेंट, अ सिंगल सेक्स इज इन्वॉल्व, अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, नो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गेन, कोई सेक्स ऑर्गेन नहीं बनेगा, कोई गैमीट्स नहीं बनेगा, कोई फ्यूजन नहीं होगा, इट इज रेदर अ क्विक मेथड। राइट, और इसमें जो इंडिविजुअल बनेंगे फ्रॉम द पेरेंट दे विल बी क्लोन टू द पेरेंट। राइट, क्लोन मीन्स दे विल बी मॉर्फोलॉजिकली मीन्स देखने में सेम एंड जेनेटिकली मीन्स जीन वाइज भी बिल्कुल सेम, यानी कि अपने पेरेंट की टू कॉपी होंगे वो, तो वो होंगे क्लोन। और इसमें जो डिवीजन होगी वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी डिवीजन होगी, मियोसिस डिवीजन। सो ओनली मियोटिक डिवीजन इज देयर, देयरफॉर नो वेरिएशन विल बी देयर एंड नो वेरिएशन, दैट मीन्स एवोल्यूशन में इसका कोई रोल नहीं है। राइट, नेक्स्ट आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, बिल्कुल इसका उल्टा, दो पेरेंट्स प्रेजेंट होंगे, सेक्स ऑर्गेन भी होंगे, गैमीट्स भी बनेंगे, फ्यूज भी होंगे, जाइगोट होगा, उसके बाद मियोटिक डिवीजन होगी और मियोटिक डिवीजन की वजह से क्या होगा, वेरिएशंस भी होंगे और वेरिएशंस होंगे तो मींस एवोल्यूशन में इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, रैदर इट इज अ स्लो मेथड, लेकिन अगर हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेटर भी है। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स के बारे में। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही सिमिलर, बहुत ही सिंपल वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सिंपल मीन्स मोनेरा किंगडम हमने बात की है, मोनेरा किंगडम लाइक हम जानते हैं उसके बारे में, प्रोकैरियोट्स उसमें होते हैं, सारे जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं और जो प्रोटिस्टा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो है उसमें ये मिलता है हमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। और फर्स्ट हमारा टाइप है वो है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, बाइनरी फिशन, फिशन मींस स्प्लिटिंग, बाइनरी मींस टू, यानी कि यहां पर एक पेरेंट सेल विल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल या टू डॉटर इंडिविजुअल। ठीक है, बेसिक प्रोसेस क्या होंगे इसमें, सबसे पहले जब डिवाइड होगी तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा। राइट, डीएनए की कॉपी बन जाएगी, उसके बाद डीएनए स्प्लिट होगा एंड उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और लास्ट में दो इंडिविजुअल हमारे बन जाएंगे। तो जो मेन जो प्रोसेस होंगे वो क्या होंगे, सबसे पहले हमारा डीएनए रेप्लिकेट करेगा, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन के बाद कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस जो होगा वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। राइट, तो ये सारे प्रोसेस होने के बाद बाइनरी फिशन में जो पेरेंट इंडिविजुअल होगा वो कितने में टूट जाएगा, दो में टूट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो जिस प्लेन में वो टूटेगा उस प्लेन के अकॉर्डिंग हम बाइनरी फिशन को तीन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इररेगुलर बाइनरी फिशन की। इररेगुलर जो है वो हमें कहाँ दिखेगा, ये शेप हम जानते हैं, जानी पहचानी शेप है, ये कौन सी शेप है, हमारी अमीबा की शेप। राइट, इसमें क्या है, कोई प्लेन ऑफ डिवीजन नहीं है, किसी भी डिवीजन, किसी भी प्लेन में जो है पेरेंट सेल डिवाइड करेगा और दो डॉटर सेल बनाएगा, जो हम देख सकते हैं इन केस ऑफ अमीबा। राइट, नेक्स्ट हमारी प्लेन ऑफ डिवीजन के अकॉर्डिंग सेकेंड टाइप ऑफ जो बाइनरी फिशन है वो है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। बेसिक प्रोसेस बिल्कुल सेम, वही रेप्लिकेशन, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, और यहाँ पर सिर्फ प्लेन ऑफ डिवीजन विल बी लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करके जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल्स बनाएगी। राइट, और ये हमें दिख सकता है, इसका एग्जाम्पल है युग्लीना।
राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे थर्ड टाइप की ट्रांसवर्स। यहां पर क्या होगा, जो डिवीजन होगी उसका प्लेन जो होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, यानी कि ट्रांसवर्स टीएस जैसे होता है, उस प्लेन में डिवाइड करेगा और पेरेंट सेल दो को डिवाइड दो में प्रोड्यूस होगी। और इसमें हम एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो हमारा क्या होगा, पैरामीशियम। तो ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन तीन है, इरेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, विच इज मल्टीपल फिशन। और मल्टीपल फिशन नाम से ही हमें पता चल रहा है, फिशन मींस स्प्लिटिंग, मल्टीपल मींस बहुत सारी, यानी कि बाइनरी में तो सिर्फ टूट के दो में बन रहा था, यहां पर टूटने के बाद बहुत सारे इंडिविजुअल्स में प्रोड्यूस होगा, राइट। तो इसमें क्या होगा, वही सेम प्रोसेस, बहुत सारे मतलब न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करेगा, बस दो में नहीं करेगा, बहुत सारी कॉपीज बनेंगी। देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा एंड ईच सेल, ईच दैट कंपार्टमेंट, ईच कैटेगराइजेशन, यानी कि छोटे छोटे जो भी टुकड़े बनेंगे उससे क्या होगा, एक नया इंडिविजुअल बनेगा। एंड एग्जाम्पल क्या होगा इसका, प्लाज्मोडियम। अमीबा में भी होता है ये, लेकिन अमीबा में जो जब ये होता है, जब अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है तो उस टाइम मल्टीपल फिशन के स्विच करता है, नॉर्मल कंडीशन जब होती है तब वो बाइनरी फिशन में स्विच करता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इन सारी चीज़ों के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हम क्या कर सकते हैं, सिंपल हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में हम ड्राइव का लिंक देंगे, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ फॉर्म में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और अगर आप हमें कोई भी सजेशन, कोई क्वेरी, कुछ डाउट पूछना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, लास्ट मिनट तैयारी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पर कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन है तो आप हमें वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा जो है वो है बडिंग। बडिंग क्या है, इट इज अ स्ट्रक्चर या इट इज अ प्रोपेग्यूल जो कि प्रेजेंट होगा ऑन अराइज होगा ऑन ए पेरेंट इंडिविजुअल, धीरे 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 ग्रो करेगा एंड अल्टीमेटली डिटैच करके एक नया इंडिविजुअल बनाएगा। इसमें दो एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का और दूसरा है मल्टीसेलुलर का। यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल जो है वो है ईस्ट, और जो मल्टीसेलुलर है उसमें जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रा, राइट। सेम है, यहाँ पर छोटा सा बर्ड अराइज हो रहा है, उसके बाद वो ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद डिटैच होके जितने छोटे छोटे चेन ऑफ बर्ड्स हैं हर एक नया ईस्ट बना देगा। और हाइड्रा में क्या है, एक छोटा सा प्रोपेग्यूल यहाँ प्रेजेंट हुआ, वो ग्रो करेगा और जब वो मेच्योर हो जाएगा तो वहाँ से स्प्लिट करके एक नया हाइड्रा बना देगा, राइट। तो ये है हमारी बडिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर क्या है, ये भी स्ट्रक्चर है, प्रोपेग्यूल्स हैं जो कि इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होंगे और जो जर्मिनेट करने के बाद एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे। हमारी एनसीईआरटी में दो एग्जांपल हैं इसके, एक है जू स्पोर और दूसरा है कोनीडिया। जू स्पोर्स क्या है, जू स्पोर्स मोटाइल स्ट्रक्चर है, एंड मोटाइल क्यों है, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजेला। तो मोटाइल स्ट्रक्चर है, जू स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होते हैं, और इसका एग्जाम्पल जो है वो क्लेमाइडोमोनास है, बहुत सारी एल्गीज में, सिंपल एल्गीज में भी प्रेजेंट होता है और फंगस में भी प्रेजेंट होता है। और ये जो जू स्पोर्स होते हैं, जब भी इनको एक सूटेबल कंडीशन मिलेगी, यानी कि जब भी ये सबस्ट्रेट पे गिरेंगे और जब भी इनको सूटेबल कंडीशन मिलेंगी तो ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और वहां से एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं। कोनीडिया, कोनीडिया भी इसी तरीके से स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे बड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, और ये कोनीडिया जिस उस पर प्रेजेंट होते हैं इनको हम कहते हैं मैटुले, और जिस ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं कोनीडियोफोर, जो कि हाइफे से बना होता है, और ये प्रेजेंट है एक फंगस, पेनिसिलियम फंगस, नोन है ये फंगस, जानते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये दोनों ही जर्मिनेट करके क्या करेंगे, एक नए इंडिविजुअल को फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारा और लास्ट जो है वो है हमारा गेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं, जिसको हम कहते हैं गेम्यूल्स। ये क्या होते हैं, इंटरनल बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे इंटरनल बर्ड होंगे, ये सेक्सुअल स्ट्रक्चर हैं, और ये जो है इनको हम आर्कियोसाइट्स बोलते हैं, और ये आर्कियोसाइट्स जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करने के बाद ये क्या करते हैं, एक नए स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो आज की हमने वीडियो में क्या पढ़ा, बेसिक हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि दोनों एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में क्या डिफरेंस है, उसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में और उसके डिफरेंट टाइप्स और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। गाइस हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और हमारी वीडियोस को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली में, और हमें सपोर्ट करते रहिए।